शराब करेगी 24 में कांड, विपक्ष का गठबंधन हो गया धड़ाम, सीबीआई के बाद अब मनीष पर ईडी ने कसा शिकंजा, मनीष के बाद अब के कविता भी जाएगी जेल, के कविता भी आई ईडी के फेरे में, साउथ कार्टेल में फंसे कई सियासतदान, मनीष और के कविता के बाद अब अगला नंबर किसका। शराब नीति में हुए कथित भ्रष्टाचार के मामले में पहले सीबीआई और अब ईडी ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मनीष इस खेल में अकेले सियासतदान नहीं है जिन पर जेल की तलवार लटक रही है। दक्षिण के कई और सियासी माननीय भी अब सीबीआई और ईडी के शिकंजे में फंस गए हैं। इसमें अगला नाम है के कविता का। तेलंगाना के लोगों को मुफ्त में शराब और मुर्गा बांटकर अपनी राष्ट्रीय राजनीति की अभिलाषा को पूरा करने की मंशा अब केसीआर के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। अब दिल्ली की शराब नीति केसीआर के गले की फांस बनती जा रही है। शराब घोटाले की आंच अब केसीआर की बेटी के कविता को भी झुलसाने लगी है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के बाद अब केसीआर की बेटी के कविता भी ईडी के शिकंजे पर फंस गई हैं। 11 मार्च को ईडी कविता से दोबारा पूछताछ करेगी। ईडी ने दिल्ली शराब नीति के मामले में हैदराबाद के एक व्यवसायी अरुण रामचंद्रन पिल्लई को गिरफ्तार किया था। पिल्लई से मिली जानकारी के मुताबिक शराब नीति में बदलाव के लिए आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपया साउथ कार्टेल लॉबी ने भेजे थे। अरुण पिल्लई को कविता का करीबी माना जाता है। इससे पहले कोर्ट ने एक और शराब कारोबारी अमनदीप ढल को 21 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजा था। सीबीआई और ईडी को मिली जानकारी के मुताबिक साउथ कार्टेल लॉबी से रिश्वत की वजह से शराब नीति में बदलाव के समय अनियमितता बरती गई। साउथ कार्टेल लॉबी में कथित तौर पर के कविता, मग्नूनता श्रीनिवासुलु रेड्डी और आंध्र प्रदेश के YSRCP के एक सांसद इस पूरे गुट में शामिल हैं। पिल्लई की गिरफ्तारी जांच एजेंसियों के लिए एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है, क्योंकि इससे एजेंसियों को बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है। सीबीआई साउथ कार्टेल के जिस मास्टरमाइंड की तलाश कर रही थी के कविता के रूप में, क्या एजेंसियों को यह तलाश पूरी हो गई है, या फिर केसीआर ने अखिलेश और केजरीवाल को जोड़कर राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखकर मोदी को चुनौती देने का जो प्लान तैयार किया था, ये उसी का रिटर्न गिफ्ट है। अस्तित्व न्यूज नेशनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।